उर्फी जावेद जो अपनी ड्रेसिंग सेंस की वजह से अक्सर लाइमलाइट पर टूरती हैं, जहां कुछ लोगों को उनका स्टाइल पसंद आता है तो कुछ का सर ही चकरा जाता है। लेकिन ये उर्फी वो है जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, हमेशा अपने अतरंगी लुक्स की वजह से सुर्खियों में रहती है। लेकिन अब उर्फी को टक्कर देने के लिए उर्फी 2.0 की भी एंट्री हो गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं इस वीडियो के जरिए। तब तक आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही डेली अपडेट्स के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कर दें। दरअसल उर्फी को तो हर कोई जानता ही है, जिसके बारे में मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ। लेकिन अब उर्फी के बाद उर्फी 2.0 की भी एंट्री हो गई है। लेकिन ये उर्फी है देश की राजधानी दिल्ली की, जो हाल ही में चर्चाओं का मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि ये मैडम ने अपने पहनावे से उर्फी को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन है ये लड़की जिसके बारे में अब हर कोई जानना चाहता है। तो आपको बता देते हैं कि ये लड़की है रिधम, जो कि 19 साल की है और खुद को एक मॉडल और एक्टर बताती है। ये पंजाब के फतेहगढ़ साहिब शहर की रहने वाली है। रिधम एक पारंपरिक परिवार से आती है, लेकिन अपने खुले विचारों की वजह से परिवार से उनकी ज्यादा नहीं बनती। पिछले कुछ दिनों से जो लोग मेट्रो में सफर नहीं करते, वो भी सोशल मीडिया पर #DailyMetro खोज रहे हैं। ये हैशटैग खूब ट्रेंड कर रहा है। वजह है कि एक लड़की की ऐसी तस्वीरें और वीडियो जिन्हें देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये लड़की काफी बोल्ड कपड़े पहनकर मेट्रो में सफर करती है। दिल्ली मेट्रो में मिनी स्कर्ट और ब्रा पहने इस लड़की को लेकर पब्लिक प्लेस पर ऐसे कपड़े पहनकर निकलने के बाद अश्लीलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे वुमेन एम्पावरमेंट से कर देख रहे हैं, तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं इस लड़की के पहनावे को लेकर कानून की क्या राय है, जरा जान लीजिए। मिली जानकारी के मुताबिक जब वरिष्ठ वकील विकास पहवा से इस लड़की को लेकर उनसे पूछा गया, तो उन्होंने जवाब में कहा कि भारतीय कानून के तहत अश्लीलता की परिभाषा सब्जेक्टिव है। उनका कहना है कि हमारे देश में अश्लीलता की अवधारणा काफी हद तक लोगों पर निर्भर है। अश्लीलता लोगों की नैतिकता के मानक पर निर्भर करता है। वल्गैरिटी और ऑब्सेनिटी में अंतर है। हमने जो मेट्रो में देखा वह अश्लील और अपमानजनक था। ऐसी कोई भी चीज जो लोगों के दिमाग को दूषित और भ्रष्ट करे, उसे अश्लील कहा जाएगा। वहीं इस मामले में दिल्ली मेट्रो ने भी अपना बयान रखा। आइए जानते हैं दिल्ली मेट्रो का बयान। तो दिल्ली मेट्रो ने अपने सभी यात्रियों से प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा। साथ ही DMRC ने बयान में कहा कि यात्री ऐसा कोई काम ना करें या ऐसा पहनावा ना पहने जिससे दूसरे यात्रियों की संवेदनाएं आहत हो। अब देखना होगा कि क्या ये लड़की अपने पहनावे में बदलाव करती है या नहीं, ये जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।